morning students, welcome to YouTube channel. Today we are going to start ABS chapter 5, Our Nation. Our Nation. First and second paragraph हमने in the last video में किया था, पढ़ा था, तो आज हम start करेंगे the national animal. The national animals. Do you know? क्या आप जानते हैं कि हमारा नेशनल एनिमल कौन है? Yes, tiger is our national animal. तो our national animal is the tiger. हमारा नेशनल एनिमल क्या है? Our national animal is the tiger. हमारा राष्ट्रीय पशु टाइगर यानी बाघ है. तो नेशनल एनिमल यानी our national animal is the tiger. Did you know? Did you know that this animal is slowly disappearing? Did you know यानी क्या आप जानते हैं कि that this animal is slowly disappearing. ये animal जो हमारे देश में धीरे धीरे गायब यानी इनकी संख्या कम होती जा रही है, इसका कारण क्या है? Did you know that this animal is slowly disappearing? क्या आप जानते हो कि हमारे देश में बाघ की यानी टाइगर की संख्या कम होती जा रही है, गायब होती जा रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है human beings kill it for its skin. इसका कारण ये है कि human यानी मानव जाति यानी people लोग human being kill it for its skin. इसकी यानी इसकी चमड़े से बहुत सारे वस्तु बनाए जाते हैं, leather, bag, कई सारे यूज में आते हैं. तो उसकी स्किन के लिए ह्यूमन भी क्या करते हैं, इसे मार डालते हैं, जिसके कारण हमारे देश में बाघ की संख्या कम होती जा रही है. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं आज ये पैराग्राफ इस लेसन के लिए लिख के समझाऊंगी, क्योंकि मुझे पता चला है कि कुछ लोगों के पास अभी भी टर्म बुक नहीं है. सो आवर नेशनल एनिमल इज द टाइगर. हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? टाइगर है. डिड यू नो दैट दिस एनिमल इज स्लोली डिसअपीयरिंग. डिसअपीयरिंग मतलब गायब होना. क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में जो टाइगर की संख्या कम होती जा रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ह्यूमन बीइंग किल इट फॉर इट्स स्किन. ह्यूमन बीइंग जो है इसकी स्किन की इसकी चमड़े के लिए इसे मार डालते हैं. वी मस्ट do everything we can to save the tiger. We must do everything. हमें हर कोशिश करना चाहिए जिससे टाइगर का सेव हो सके, यानी उसको सुरक्षित हो सके, वो बच सके. यानी हर वो कोशिश करना चाहिए जिससे हमारे देश में टाइगर की सुरक्षा हो और वो सेव रह सके. वी मस्ट डू एवरीथिंग. वी मस्ट डू एवरीथिंग. वी
जिसके कारण हमारे देश में टाइगर की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो और वो सुरक्षित रह सके। फिर से हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को। द नेशनल एनिमल, आवर नेशनल एनिमल इज द टाइगर। हमारा जो राष्ट्र पशु क्या है? टाइगर यानी बाघ है। डिड यू नो दैट, नेशनल बर्ड तो सबको अच्छा लगता है। जब वो अपने पंख फैलाकर नाचते हैं तो उसे देखने किसको अच्छा नहीं लगता है? सभी को अच्छा लगता है। तो हमारा नेशनल बर्ड क्या है? द नेशनल बर्ड, the peacock is our national bird, national bird, the peacock is our national bird। peacock क्या है? peacock हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। peacock हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी है।
lotus. The lotus is our national flower. अब हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो the lotus, यानी कमल. कमल का फूल जो होता है, लोटस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कमल. तो जो कमल का फूल जो है हमारा राष्ट्रीय फूल है. The national flower, the lotus is our national flower. The lotus is our national flower. लोटस क्या है? लोटस हमारा राष्ट्रीय फूल है. और ये the lotus grow in water. ये कहाँ पे grow होता है? ये water plant है. क्या plant है? Water plant है. तो the lotus is grow in water. ये पानी में grow करता है, यानी पानी में फूल उगते हैं इसके. The national flower, the lotus is our national flower. Lotus जो है हमारा राष्ट्रीय फूल है. फिर से वन टाइम रिपीट. The national bird, the peacock is our national bird. Its feathers are very beautiful. The national flower, the lotus is our national flower. Emblem is chin, pratik. Our national emblem is taken from the Ashoka pillar. यानी हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम कहाँ से लिया गया? वो अशोक पिलर है, अशोक स्तंभ से लिया गया, जो कि सारनाथ में है. आवर नेशनल एम्ब्लेम, मतलब चिन्ह यानी प्रतीक. आवर नेशनल एम्ब्लेम इज टेकन फ्रॉम द अशोक पिलर. पिलर मीन्स स्तंभ. अशोक पिलर में से लिया गया है, जो कि इन सारनाथ, जो कि कहाँ है? सारनाथ, सारनाथ में है. सारनाथ is a famous city. Sarnath is a famous city in Uttar Pradesh. Sarnath क्या है? Sarnath एक famous प्रमुख शहर है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, स्थित है. सारनाथ इज अ फेमस सिटी इन उत्तर प्रदेश, यानी सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रमुख सिटी है. आवर नेशनल एम्ब्लेम इज टेकन
popular in Sarnath. Sarnath is a famous city in Uttar Pradesh. National holidays. The whole
होल नेशन सेलिब्रेट दिस हॉलीडे ये जो थ्री छुट्टी होती है राष्ट्रीय छुट्टी होती है उसे पूरा देश मनाते हैं उस दिन दे आर इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती नेशनल हॉलीडेज वी हैव थ्री नेशनल हॉलीडेज हमारे देश में थ्री राष्ट्रीय छुट्टी थी तीन दिवस की मनाई जाती है द होल डे सेलिब्रेट दिस हॉलीडे और ये जो तीन छुट्टी होती है वो पूरा देश इस तीन दिवस को छुट्टी मनाते हैं दे आर इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस एंड गांधी जयंती यानी गांधी जी की जन्म दिवस ये तीन छुट्टी जो है पूरा देश मनाते हैं वी हैव थ्री नेशनल हॉलीडेज द होल होल नेशन सेलिब्रेट दिस हॉलीडे दे आर इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती यानी हमारे देश में टोटल कितनी छुट्टी मनाई जाती है राष्ट्रीय थ्री डेज की और द होल नेशन सेलिब्रेट दिस हॉलीडे और ये पूरा देश यानी पूरा राष्ट्र इस हॉलीडे को सेलिब्रेट करते हैं दे आर इंडिपेंडेंस डे पहला इंडिपेंडेंस डे सेकंड है रिपब्लिक डे और तीसरा है गांधी जयंती नाउ इंडिपेंडेंस डे is celebrated on 15 August. 15 August यानी जो इंडिपेंडेंस डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं कौन से डे को तो ये इंडिपेंडेंस डे जो है हम 15 अगस्त यानी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं दिस इज द डे वी गोट आवर इंडिपेंडेंस Independence from British rule. British rule. और क्योंकि इसी दिन हमारे देश को ब्रिटिश रूल से अंग्रेजों से आजादी मिली थी यानी आजाद हुआ था हमारा देश 15 अगस्त को ही अंग्रेजों की सरकार से आजाद हुआ था इसीलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त दिस इज द डे वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल क्योंकि इसी दिन हमने अपनी आजादी पाई थी किससे ब्रिटिश यानी अंग्रेजों की सरकार से ब्रिटिश रूल से हमने अपनी आजादी पाई थी किससे किस दिन इसी दिन यानी 15 अगस्त के दिन We become
आपको लेसन भर पर ही 2 या 3 टाइम रीड करना पड़ेगा चाहिए। चैप्टर 5 हार्ड वर्ड्स लर्न एंड राइट, लर्न एंड राइट नंबर 1 to 40, क्योंकि हार्ड वर्ड्स चैप्टर 5 में बहुत ज्यादा है इसलिए मैं टोटल हार्ड वर्ड्स आपको नहीं दे रही हूँ, सिर्फ नंबर 1 to 40 हार्ड वर्ड्स इन योर जीरो नंबर बुक वन टाइम। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जो कि चैप्टर 5 के हार्ड वर्ड बहुत ज्यादा है, 101 से अप है, इसलिए मैं आपको सिर्फ नंबर 1 to 40 नंबर हार्ड वर्ड आपको लिखना है, वो भी जीरो नंबर बुक में। आप लोग उसे 2 नंबर बुक में मत लिखिएगा, सिर्फ किसमें लिखना है, जीरो नंबर बुक में लिखना है वन टाइम। थैंक यू।